दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये शब्द सुनके ही दिमाग में वो करोड़ों लोगों का हुजूम उमड़ आता है जो कि देश दुनिया में अलग अलग हिस्सों में भगवान श्री जगन्नाथ के लिए समर्पित रहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई कि अब जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार भी खुलने वाला है, जहां पर अब ताला तोड़ा जाएगा रत्न भंडार का। दोस्तों, आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में रत्न भंडार खोला गया था, लेकिन अब फिर से इसी 14 जुलाई को ये जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा, जिसमें अथाह खजाना है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस रत्न भंडार में इतना ज्यादा खजाना है कि पूरे देश को 2 साल तक, ध्यान दीजिएगा, पूरा देश जो कि 150 करोड़ आबादी का है लगभग, उसको 2 साल तक फ्री में खाना खिलाया जा सकता है। इतना इस रत्न भंडार में खजाना है। दोस्तों, रत्न भंडार का खजाना कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कई सालों तक संभाल सकता। इस रत्न भंडार में है क्या क्या? इस रत्न भंडार में बहुमूल्य रत्न है, सोना है, चांदी है, और अंतिम उद्घाटन के समय मंदिर के रत्न भंडार में करीब 12,500 सोने के आभूषण थे और तो और 22,000 चांदी के टुकड़े थे। 2018 में कोर्ट ने एएसआई को जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार की जांच का आदेश दिया था, लेकिन जब टीम वहां पहुंचती है तो पता चलता है चाबी ही गायब हो गई है। लेकिन अब ये निर्णय लिया गया है कि फिर से 14 जुलाई को रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोलने के लिए अनुरोध किया जाएगा। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पहली बार तो कोशिश की जाएगी कि डुप्लीकेट चाबी से भंडार खोला जाए, लेकिन नहीं खुलेगा तो उसको ताला तोड़ दिया जाएगा। अब ये बात बताइए कि क्या ये निर्णय आपको अच्छा लग रहा है? क्या आप चाहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है वो खुले? ये आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। खैर, अब लौट के आते हैं खबर पर। जो खबर ये है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में जगन्नाथ रथ यात्रा देखने को मिली और मुस्लिम देशों में भी भक्ति बढ़ गई है, उसकी भी झलक आपको दिखाएंगे। स्वागत है आपका इस साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, 7 जुलाई को उड़ीसा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की गई थी और भगवान श्री जगन्नाथ का निवास स्थान भी पुरी ही है। चारों धामों में से यह भी एक प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन दुनिया में हिंदू धर्म का यही सबसे बड़ा एक पर्व है जिसमें विदेशी काफी ज्यादा संख्या में आते हैं, और वो विदेशी क्रिश्चियन तो होते ही हैं, यहूदी भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। ये जो रथ यात्रा है वो 16 जुलाई तक चलने वाली है। अब हम आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से देश के लोग यहाँ पर उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला देश है वो है रूस, फिर आता है अमेरिका, फिर लंदन, फ्रांस और इजराइल के यहूदी भी जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। My name is Brinda. I am from Colombia. It's my first time in Jagannath Puri. Yes, I am very, very, very happy to be here in this moment. It's very beautiful. It's my first time. I am very excited. Yes. Jai Jagannath. इस मौके पर तमाम कोनों में जगन्नाथ रथ यात्रा की झांकियां भी देखने को मिली, और सबसे हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम देशों में भी इस बार काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिला। अधिकतर वो मुस्लिम देश जहां जहां इस्कॉन मंदिर हैं, वहां जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, झांकियां निकाली गई। दोस्तों, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया,
मुस्लिम देशों की बात करें तो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ओमान, बहरीन, इन सारी जगहों पर भगवान श्री जगन्नाथ के भक्त छोटी ही सही लेकिन रथ यात्राएं जरूर निकालते हैं। और इस बार भी ये देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन इस्लामिक देशों में भगवान जगन्नाथ के प्रति मुस्लिमों का भी प्यार काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और इसके पीछे जो कारण है वो कारण कोई दूसरा नहीं है बल्कि सीधे भगवान श्री कृष्ण ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में प्रेम उमड़ रहा है और कारण सिर्फ और सिर्फ भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लोगों को उनके दुखों से निकालने में मदद कर रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ सही हो रही है, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, शारीरिक दिक्कतें भी उनकी सही हो रही हैं। ये सारी चीजें लोगों को सनातन के प्रति आकर्षित कर रही हैं, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई, यहूदी हो या पारसी, जो भी भगवद गीता को पढ़ता है उसको सहायता जरूर मिलती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण हो या फिर भगवान श्री जगन्नाथ, मुस्लिम देशों में भी हिंदू तीज त्योहारों का क्रेज बढ़ रहा है। इसके अलावा भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को कई जगहों पर मुस्लिम ने बनाया है। और तो और कई जगह ऐसी हैं जहां पर आपने देखा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का जो स्वागत है वो मुस्लिम कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा ही सेलिब्रेट नहीं की जा रही मुस्लिम देशों में, बल्कि आपने देखा कि पिछले साल जब जन्माष्टमी थी तो जन्माष्टमी पर भी अलग अलग देशों में भगवान श्री कृष्ण के लिए जो मुस्लिम थे वो अपना प्रेम दिखा रहे थे, खास करके वो देश जहां पर इस्लाम का उदय हुआ। अगर हम ये देखें कि जहां से इस्लाम का उदय हुआ वहां पर तो कट्टरता कम हो रही है, सनातन के प्रति मुस्लिमों का प्यार उमड़ रहा है, लेकिन जो देश कन्वर्ट हुए या फिर जिन वेस्टर्न देशों में मुस्लिम धर्म फैल रहा है वहां पर कट्टरता बढ़ जा रही है। या यूं कहें कि अमेरिका अब सऊदी अरब बन रहा है और सऊदी अरब अब अमेरिका बन रहा है। तो दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।